हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है, मैं एक जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते लिखते मुझे एंग्जाइटी हो रही थी क्योंकि मेरे को खुद को रूट कनाल्स हुए हुए हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ कि मैंने क्या डिसीजन लिया है रिसर्च के बाद। और एक नेटफ्लिक्स पर मूवी है रूट कॉज, जिसके ऊपर 25 वर्ल्ड के बेस्ट डेंटिस्ट का इंटरव्यू है। वो देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने कहा यार ये बताना ही बताना है सबको कि रूट कनाल के क्या साइड इफेक्ट्स हैं एंड क्यों हमें रूट कनाल नहीं कराना चाहिए। इस पिक्चर को बनाया है मिस्टर फ्रेजर बैली ने। उनका ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो एक्सरसाइज करते थे, डाइट करते थे, वेट भी ठीक था। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों फटीग है, क्यों सर घूमता है, क्यों रात को नींद बार बार टूटती है, क्यों एंजाइटी होती है बिना किसी मतलब के। जब उनको रूट कॉज पता चला, जो कि रूट कनाल था, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट 25 डेंटिस्ट का इंटरव्यू लिया, जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि जो लोग रूट कनाल कराने वाले हैं वो लोग एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। रूट कनाल की नौबत कब आती है? सबसे पहले आपके दांत में एक कीड़ा लगता है जिसको शायद हम देख भी नहीं पाते हैं। कीड़ा क्यों लगता है? हमारे मुंह के अंदर, जैसे कि हमारा हर बॉडी पार्ट होता है, गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जब ये बैड बैक्टीरियाज, आपके मुंह का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, आपके बैड बैक्टीरियाज एसिडिक एनवायरनमेंट में बढ़ने लगते हैं, तब लगता है कीड़ा। मुझे पता है हम चीनी को बहुत ब्लेम करते हैं क्योंकि चीनी आपके बैड बैक्टीरियाज को फीड करती है। सेम बैक्टीरियल कॉलोनीज आपकी वजाइना में भी होती है। कुछ औरतों को यूटीआई इन्फेक्शन होगी, कुछ औरतों को वाइट डिस्चार्ज होगा, वो कॉलोनी बिगड़ जाती है। एसिडिक चीजें क्या है? कॉफी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफीन, ये ज्यादा पी पी के हमने मुंह का पीएच लेवल खराब किया। हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इनेमल। वो इनेमल खत्म होने लगता है एसिडिक एनवायरनमेंट से और आपका दांत, जो कि एक मिनरल है, वो मिनरल्स लूज करने लगता है और फिर लगता है कीड़ा। कीड़ा हमने देखा नहीं, अंदर से खोखला करता गया दांत को और आपके रूट के पहुंच गया। यहाँ पे कनाल्स होते हैं, वहां की सफाई करते हैं डॉक्टर्स, उसको कहते हैं रूट कनाल। वहां की सफाई करके, वहां से कीड़ा निकाल के उसके अंदर कर देते हैं एक फिलिंग। अगर दांत ज्यादा भूल चुका होता है, एक ब्रिज लगा देते हैं या फिर दांत के ऊपर एक कैप लगा देते हैं और दांत में वापस जान आ जाती है। बट ये जो रूट कनाल्स हैं, ये आपके इन्फेक्शन के सोर्सेज होते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स ने उन लोगों को देखा जिनके रूट कनाल हुए हैं। जब डेंटिस्ट सफाई करते हैं, वहां पे डेफिनेटली बैक्टीरिया रह जाता है और एनारोबिक एनवायरनमेंट में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ग्रो करता है एंड आसपास के दांतों को खराब करने लगता है। अब आप मुझसे पूछोगे, पलक अगर यहाँ पे कीड़ा है तो मुझे दर्द क्यों नहीं होता है, मुझे इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं होती है, मेरा मसूड़ा फूलता क्यों नहीं है? क्योंकि रूट कनाल करते वक्त वो यहाँ की जो नर्व एंडिंग होती है, खून तो नर्व से आता है, उसको डेड कर देते हैं और उसी से ही आपको पेन पता चलता है। इन्फेक्शन मतलब है आपके अंदर और वो इन्फेक्शन दूसरे दांतों की तरफ, आपकी बॉडी की तरफ जा रही है, बट आपको सिर्फ पेन महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि नर्व्स की जो एंडिंग्स हैं वो डेड हो चुकी हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये आपकी बॉडी के अंदर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा को एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी। डॉक्टर एडवर्ड मेलानबी, आप रिसर्च कर सकते हो, बहुत ही फेमस डेंटिस्ट हैं, वो लिखते हैं दांतों के नीचे रूट्स होती हैं एंड ये जो रूट्स हैं ये आपके मेन कनाल से कनेक्टेड होती हैं। जब आपका डेंटिस्ट आपका रूट कनाल करता है, वो नर्व को डेड कर देता है, यहाँ पे स्पेसेस रह जाती हैं, वो जो स्पेसेस है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है एंड बैक्टीरिया आपके साइड कनाल्स पर ग्रो करने लगता है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड बॉडी में इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लेट से आपके दांत पे आपको एक छोटा सा डॉट दिखता है, दैट्स एन अलार्म साइन कि आपके मुंह का जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो चेंज हो गई है, बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके मुंह से स्मेल भी आनी शुरू हो, तो सबसे पहले आपने ऑयल पुलिंग करना शुरू करना है। ऑयल पुलिंग क्या होती है? आप अपने मुंह के अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लेते हो, उसको अपने मुंह के अंदर डालते हो और 10 मिनट तक करते रहते हो और उसके बाद थूक देते हो। उससे क्या है, बैड बैक्टीरिया मरेगा। आप अल्कलाइन फूड्स डाइट में ऐड करते हो, मतलब अगर कॉफी पी है तो ग्रीन जूस भी पीना है, कोक पी है तो नींबू पानी पीना है, और फर्मेंटेड फूड ऐड करते हो अपनी डाइट में ताकि आपकी गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़े। हो सकता है कि अगर आपके दांत में डॉट आया है और आपने उसकी सफाई ना भी करवाओ,
10-15 साल तक उसका प्रोग्रेशन ना हो, क्योंकि आपने प्रिवेंटिव मेजर्स कर लिए। अगर लेट्स से दांत खाली हो भी जाता है, प्लीज पुल द टूथ, दांत को निकलवा लो, बट रूट कनाल मत करवाओ। अगर आपको ब्रिज लगवाना पड़े, आप रिमूवेबल ब्रिज लगवाओगे। वो दूसरे ट्रेडिशनल ब्रिजेस की तरह नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रिज क्या होता है, वो आपके जो साथ के दो दांत हैं उनको भी थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, आपके वो दांतों को भी अफेक्ट करना है। क्यों यार, जो अच्छे भले दांत हैं उनको क्यों ग्राइंड करना है? उन पे भी रूट कनाल आएगा, नीचे से आएगा 7-8 साल बाद, और उसके ऊपर ब्रिज लगा देते हैं। बट जो रिमूवेबल ब्रिज होता है वो 2-3 साल बाद उखड़ने लगता है। इट्स ओके, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं तो नया दांत लगवाओ, विच इज द बेस्ट सोल्यूशन। हम एक और टिप देती हूँ, हमारा जो दांत होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है, डॉक्टर किडनी निकाल देता है। अगर आपका लिवर खराब हो जाता है, डॉक्टर बोलता है लिवर ट्रांसप्लांट करवाओ। क्यों ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है? ये भी एक ऑर्गन है। अगर ये सड़ गया है, इसको संभाल के मत रखो। सेम जो किडनी सड़ गई है वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकती है, ये भी कर सकता है। तो अगर दांत के अंदर कीड़ा जा चुका है, निकलवा दो वो दांत और नया दांत लगवा दो। और अगर ब्रिज आप डिसीजन लेते हो, ब्रिज लेना है तो रिमूवेबल ब्रिज। अपने दांतों के गम्स की मसाज किया करो, यहाँ पे ब्लड आएगा। यहाँ पे हम मसाज करते हैं, क्यों मसाज करते हैं? ताकि ब्लड आए, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन होता है। सेम मसाज योर गम्स एवरीडे। हर ऑर्गन की तरह दांत भी रीजनरेट हो सकता है, अगर आप ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लो। बट आपको रोज अपने दांतों का ध्यान रखना है, स्पेशली जब आपकी कीड़ा लगा है, इट्स अ बिग अलार्म साइन। आपकी पूरी बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो मर रहे हैं एंड बैड बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं। मेरा लास्ट टिप है, अगर मसूड़ा कभी फूल जाता है, लॉन्ग रख लो, दैट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल। ऑयल पुलिंग कर लो, दैट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल। एंड लास्ट चीज, नीम, नीम से ब्रश करो। मुझे पता है इतना टाइम नहीं हमारे पास सुबह। पहले के जमाने में ना लोगों का फेस ना यहाँ से बड़ा सुंदर होता था, आजकल गोल गोल फेस है, यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग बोन लाइन होती थी। वो नीम की टहनी को चबाते थे, तो किचन के अंदर खाना बना रहे हो, नीम की ब्रांच को चबाना शुरू करो और फिर मुझे बताना आपके दांत की सड़न रुकी या नहीं रुकी। विटामिन डी एंड K2 जो कि आपको मेरे विटामिन ADK में मिलेगा, वो लेना शुरू करो, क्योंकि कैल्शियम जो हम खाते हैं उसको नहीं पता है कि कहाँ पे डिपॉजिट होना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी एंड K2 मिलके करते हैं। आई होप ये वीडियो यूजफुल था, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।